हीटर, मतलब कि वैक्स हम घर में कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने हीटर लिया था, मतलब ऑनलाइन लिया था इसको, नोवा का है ये। और ये मतलब मुझे कोलैबोरेशन में ही मिला है और मैं कोलैबोरेशन के ऊपर बहुत ही जल्द वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग, मतलब अगर कोई इन्फ्लुएंसर है और वो कोलैबोरेशन के ऊपर वीडियोस चाहता है तो क्या क्या जानना चाहता है। तो आप लोग जब कमेंट करके मुझे बताएंगे तभी मैं मतलब उसके ऊपर वीडियो अच्छे से बना पाऊँगी। वैसे तो मुझे पता है कि एज ए इन्फ्लुएंसर हमारे मन में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं जब स्टार्टिंग में हम लोग इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे तो मुझे थोड़ा ईजी हो जाएगा। और मतलब ये पूरा कॉम्बो था, इसमें वैक्स, ये हीटर है, ये दो इस तरीके के वैक्स थे और एक जो है थर्माकोल का कुशन था पोंछने के लिए, वो मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि उनसे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। ये वैक्स स्ट्रिप्स हैं और ये वैक्स स्ट्रिप्स मेरे अकॉर्डिंग किसी काम की नहीं है क्योंकि ये बहुत ही हल्की होती है, बहुत ही हल्की। ये मैंने खुद खरीदी है, मार्केट से खरीदी थी मैंने, 50 रुपये का पैकेट आता है, इसमें लगभग 150 स्ट्रिप्स होती हैं, 100-150। ये मैंने खाली डब्बा ले लिया है क्योंकि ये अगर हम सारा गर्म करेंगे तो ये ख़राब होने का डर रहेगा, और इसमें करेंगे तो मतलब ठीक रहेगा। और क्योंकि अभी मतलब बरसात का मौसम है तो बरसात में जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम होती है वैक्स करने में, जो लोग वैक्स करते हैं उनको पता ही होगा, मेल्ट हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है। तो अभी हम लोग आइए उसके ऊपर बात करेंगे, चलिए। तो वैक्स के कुछ कुछ रूल्स होते हैं, और रूल्स इन द सेंस कि क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में मतलब जो लोग करते हैं उनको प्रॉब्लम्स पता ही है कि क्या क्या होती है। बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा स्वेट करती है, स्वेट करने की वजह से जब हम वैक्स करते हैं तो वो रुकती नहीं है। और जब मैं बिगनर थी तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और एक बार तो ऐसा हुआ था, उस समय मेरे पास मतलब मैं कूलर यूज़ करती थी, स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ एकदम, तो मुझे लगा कि कूलर चलाऊँगी तो बॉडी ठंडी हो जाएगी और वैक्स हो जाएगी, और मैं वैक्स मतलब करने लग गई। और मैंने उस चक्कर में बहुत ही ज़्यादा गर्म वैक्स ले ली, मैंने सोचा कि ये सूखे या ख़राब हो पसीजे उससे पहले उसको अप्लाई करके और मतलब मैं पुल कर दूँगी, बट मतलब अनफॉर्चुनेटली मतलब मैंने वो गर्म गर्म इतनी लगा ली, मेरा पैर जल गया पीछे से, और मतलब मैं बहुत दिन परेशान रही क्योंकि स्टार्टिंग में जलन होती है जब जल जाता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि कुछ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बारिश में। तो रूल्स क्या, एक मैंने जो जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपके पास आपके घर में एसी है तब तो वेल एंड गुड है, आप लोग जो है वो एसी को कम टेम्परेचर पे करके बॉडी ठंडी हो जाएगी, और बॉडी ठंडी होने के बाद आप वैक्स कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि बारिश के मौसम में आपको मतलब जब धूप का वेदर, मतलब धूप का जब आपको लग रहा है धूप निकल रही है, गर्मी ज़्यादा है, तो उस समय आप वैक्स मत करिए। जब बारिश तेज़ हो रही है और आपको लग रहा है कि हाँ ठंड का मौसम हो रहा है, तो ठंड के मौसम में अगर आप आलसी नहीं है तो सुबह उठ जाइए, मतलब आप 7 बजे उठ जाइए, 6-7 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास, उस समय नहा के क्या होगा, बॉडी ठंडी हो जाएगी। अगर एसी नहीं है तब की बात बता रही हूँ, उस समय बॉडी ठंडी हो जाएगी, तो उस समय आप वैक्स कर सकते हैं, उस समय मॉर्निंग में इजीली हो जाती है वैक्स, ठीक है। जिनका कुछ प्रोग्राम है या ऑफिस में या कॉलेज में या स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो वो उस समय ट्राई कर सकते हैं इसको। ये मैंने भी किया हुआ है क्योंकि मेरा बर्थडे जो है वो जून में आता है, और जून में बहुत ही गर्मी होती है, तो उस टाइम पे मैं क्या मतलब जब एसी नहीं था तो मैं क्या करती थी, सुबह जल्दी से उठ जाती थी और नहा के और फिर वैक्स करती थी। तो उस टाइम के लिए आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए रेज़र अप्लाई कर सकते हैं, और गर्मियों के मौसम में थोड़ा क्या होता है कि जो आप ये समझ लीजिए अप्रैल मई जून इसी समय गर्मी रहती है ना, इस समय ही वैक्स ढंग से हो पाती है, अदरवाइज़ जैसी बारिश का मौसम होता है तो वैक्स की प्रॉब्लम होने लगती है स्वेट होने की वजह से बॉडी। तो उस समय आप रेज़र अप्लाई कर लीजिए, 2-3 महीने की बात होती है, तो अपना नहाओ और रेज़र मारो, नहाओ रेज़र मारो। और आजकल तो हाँ बॉडी वैक्स पाउडर्स भी आने लगे हैं, हालांकि मैंने कभी अप्लाई नहीं किए हैं, मेरे पास है और मैं आपको उसका रिव्यू करके ज़रूर बताऊंगी। चलिए अब बातें बंद करते हैं, मैंने कुछ कुछ सेफ्टी टिप्स आप लोगों को दिए थे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके या इरीटेट होके अपने वैक्स को गर्म करके खोलते भी मत लगा लेना, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं कैसे करूँगी, ठीक है।
मैंने एसी ऑन कर लिया है और एसी ऑन करने के बाद जो है मैंने ये हीटर लगा लिया है और हीटर मतलब मैंने वहाँ से डायरेक्ट स्विच ऑन कर दिया, यहाँ से नहीं किया है, ठीक है। अब मैं इस पर वैक्स लेके और मैं डायरेक्ट इसमें वैक्स नहीं करूँगी क्योंकि फिर वो धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने डायरेक्ट जो है वो वैक्स को मेल्ट इसमें ना करके ये बॉक्स मतलब पहले का है इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और वैक्स के बॉक्स को सबसे अच्छा ईजीएस्ट तरीका जो होता है वो यही होता है कि आप इसको पानी में रख दीजिए और ये वैक्स अपने आप मतलब पानी से हट जाती है, मेल्ट हो जाती है बहुत इजीली, मतलब कुछ मेहनत करनी ही नहीं है। तो जिनको ये है कि अरे डब्बा कैसे साफ़ होगा, ये होगा वो होगा, तो ये तो इसमें तो करो मत क्योंकि इसको कौन साफ करेगा घंटों, ठीक। तो इससे अच्छा है उसका आप एक अलग से डब्बा रखें। तो इसमें मैंने ये वैक्स जो है ना वो भरे हुए डब्बे से ट्रांसफ़र करके इसमें कर दी है। अब इसको अप्लाई करने का तरीका देखेंगे। तो ये जो है ना जैसे हेयर इस इधर की साइड में इस डायरेक्शन में है ना, तो हमें इधर की इधर मैं हाथ से तो इशारा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने हाथ से कैमरे को पकड़ा हुआ है, ठीक है, और ना मेरे पास अभी ट्राईपॉड है कि मैं आपको ऐसे इशारे करके बताऊं, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि आपको ऊपर की तरफ इधर को वैक्स अप्लाई करनी है ऐसे, मतलब जिस डायरेक्शन में हेयर की ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में आपको जो है वो वैक्स अप्लाई करनी है। तो चलिए अब देखते हैं मेल्ट होने के बाद, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से इतना ज़्यादा डर लगता है क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मेरे ना बहुत बुरी तरीके से करंट लग गया था, जो एक वो होता है ना क्या बोलते हैं पानी की मोटर होती है, तो मैं एक जगह रेंट पर रहती थी तो मैं कपड़े धो रही थी, कपड़े वॉश कर रही थी, वैक्स गर्म कर रही हूँ इसलिए बार बार इधर हाथ कर रही हूँ, तो मैं कपड़े वॉश कर रही थी, पूरी भीगी हुई थी बहुत बुरी तरीके से, तो मैं मोटर का स्विच ऑफ करने गई, कपड़े धुल चुके थे और पता नहीं पैरों में स्लीपर थी लेकिन वो गीली थी, तो मैं पहन के गई मोटर का स्विच ऑफ करने और पता है उसमें मैं मतलब भगवान मैं चिपक गई, ये सोचिए कि उस दिन मेरा दूसरा जन्म हुआ, बस इस तरीके से सोचिए। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मतलब मैं तो चिल्ला रही थी, मुझे अचानक से ध्यान आया कि बुआ बोलती हैं, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो बुआ बोलती थी कि कभी भी करंट लगता है तो हमेशा लकड़ी पकड़नी चाहिए, तो मैंने जल्दी से लकड़ी पकड़ी और जैसे ही मैंने लकड़ी पकड़ी ना तो वो छुड़ाने की कोशिश करती है लकड़ी, तो लकड़ी ने जब छुड़ाने की कोशिश की तो वह इतनी तेज ऐसे जंप की ना कि भैया मेरी मतलब मुझे लगा आज तो मेरा आखिरी ही दिन है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक वहाँ पे ना रेंट पे एक ड्राइवर रहते थे, तो उन्होंने देखा होगा मैं चीख रही थी, तो पता लोहे का गेट था, आप ये सोचिए मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं, मुझे अभी भी लगता है कि उन्होंने मतलब दूसरा जन्म दिया मुझे, तो लोहे का गेट था, उन्होंने गेट खोल के सोचिए स्विच ऑफ किया मोटर का, और उसके बाद मेरा वो ऐसा मेंटल ट्रॉमा बैठा ना बॉडी में, ऐसा ट्रॉमा बैठा कि मैं ना मतलब वॉशरूम में भी अगर स्विच ऑन करने जाती थी तो मेरी दीदी जाती थी साथ में, मतलब जितनी देर मैं वॉशरूम में रहती थी ना उतनी देर वो बाहर खड़ी रहती थी, फिर स्विच ऑफ करना स्विच ऑन करना, और मतलब लिटरली उस ट्रॉमे से मैं कैसे गुजरी हूँ, लगभग मुझे वो एक दो महीने तक वो ट्रॉमा रहा। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे नॉर्मल हुई, मैं जब स्विच ऑन करती थी ना तो मैं मतलब ऐसे करके ऐसे ऑन करती थी स्विच को, तो मतलब ये है कि ध्यान रखें आप लोग जब कभी भी इस तरीके का कोई काम, तो तब से थोड़ा मेरा ट्रॉमा बैठा हुआ। ये जो इसकी आउटर लेयर है ना ये इतनी गर्म हो गई है, मतलब अभी मेरा ना इसके धोखे से हाथ टच हो गया, मेरा हाथ जल गया, तो भैया इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं इसको फर्स्ट टाइम हीटर को यूज़ कर रही हूँ और पहले बहुत दिक्कत होती थी, बार बार ना गैस पे गर्म करने की भावना पड़ता था, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। तो अब मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, हो चुकी है ये देखो, अब मैं हीटर को मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि अब सफिशिएंट गर्म हो चुकी है, और मैं ये वाली वैक्स स्ट्रिप यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हाथों की ग्रोथ जो होती है वो इतनी कोई हार्ड नहीं होती है, तो बहुत ईजिली मतलब हो जाता है। मैं आपको आर्म पिट्स के भी मतलब करके दिखाती वैक्स, बट मैं मतलब ठीक है सबका अपना अपना तरीका होता है, आजकल तो मॉडल्स लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से इसको फ्लॉन्ट कर रहे हैं, और मतलब आर्मपिट्स के हेयर हैं तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है,
शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अपना अपना थोड़ा वैसे होता है कि किसी को मतलब एक होता है, मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं गलत बात है, मतलब कि कुछ लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कुछ लोग नहीं फील करते हैं, तो मैं उस तरीके से कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं आपको आर्मपिट की भी वैक्स करके दिखाती कि वो भी मैं खुद ही करती हूँ। तो अगर मुझे इन फ्यूचर कभी लगेगा और मैं कॉन्फिडेंट फील करूँगी तो मैं आपको ज़रूर करके दिखाऊँगी, लेकिन अभी के लिए मैं केवल हैंड के ही हेयर वैक्स करके दिखा रही हूँ, इवन मैं आपको लेग्स के भी करके नहीं दिखा रही हूँ। अगर मतलब लगेगा कि हाँ आप लोगों को इसकी ज़रूरत है इस वीडियो की, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं बना दूँगी और मतलब कोशिश करूँगी। बहुत मैंने देखे हैं कि वीडियोज़ हैं इस पर अवेलेबल, तो लेकिन वो उस तरीके से नहीं है उतने अच्छे से, जैसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी चीज़ को बहुत डीपली एनालाइज करके और बहुत अच्छे से मतलब ट्रिक्स बताती हूँ, तो उस तरीके के मुझे वीडियोस मिले नहीं। लेकिन अगर आपको कभी भी लगता है कि हाँ मैं अच्छे, आप लोगों को वो चीज़ लगनी चाहिए, मुझे क्या लग रहा है वो चीज़ मैटर नहीं करती है, आप लोगों को क्या लग रहा है आप लोग वो चीज़ बताइएगा। तो मुझे अगर लगेगा और मैं कॉन्फिडेंट फील करूँगी तो मैं आपको आर्म पिट के भी जो है वो वैक्स करके ज़रूर दिखाऊंगी, तब मैं हैंड की करके दिखा रही हूँ। बताया मैं हैंड की करके दिखाऊंगी, तो वैक्स लेने का तरीका देखिए ये है, आपको एक साइड ले लेना है, पीछे से इसको आप पोंछ लो। अब इसको ना आप अच्छे से ऐसे फैला लो पूरा नीचे तक, क्योंकि हमें ना पतली लेयर लेनी है, हमें इतनी मोटी लेयर नहीं लगानी है हाथ पे, नहीं तो वैक्स ख़त्म हो जाएगी एक दो बार में। इवन पता है जो सैलॉन और पार्लर वाले होते हैं वो तो इतनी पतली लेयर लगाते हैं ना, उनको बस हेयर को रिमूव करने के लिए हल्का सा ही चाहिए और बहुत ही पतली लगाते हैं। तो इसको अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर लीजिए, और ये भी, और हाँ हाथ से टच कर करके ना इसको हमेशा चेक करना चाहिए कि ये गर्म तो नहीं है, आप इसको सहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं इसको पहले टच करके देख ले रही हूँ कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है ये, ठीक है। अब मैं इसको देखो यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, सबसे पहले आगे की बना के दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही ईजी है। मतलब आप लोग जब स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और मैंने बताया कि मेरा हाथ जल गया था। और हाँ ये लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि जिधर से होल ज़्यादा होते हैं ना, मतलब बहुत डार्क होल होते हैं, देखिए आप लोग डिफरेंस चेक कर पाएंगे, पीछे कम होते हैं दिख रहे हैं और आगे ज़्यादा हैं, तो जहाँ होल ज़्यादा होते हैं ना वो ऊपर रखना होता है, और जहाँ होल कम होते हैं वो इधर रखना होता है। ये मैंने ऐसे किया, इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए ऐसे करके, ये देखिए, और ये देखिए, देखो यू कैन सी द डिफरेंस, ये देखिए दिख रहा है। अब मैं पूरे हैंड का ऐसे ही करूंगी, ठीक है, तो अब मैं कर लेती हूँ, फिर पूरे हैंड का करने के बाद फिर दिखाऊंगी। तैयार हो गई हूँ और मैंने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया है, लिपस्टिक लगाई है, आईलाइनर लगाया है और यहाँ काजल दिया है, मतलब फेस पे कुछ मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये मैंने वैक्स कर लिए है देखिए, और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आर्म पिट का जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल लगता है, जो लोग बनाते हैं वेल एंड गुड है, मतलब हम लोगों को जो है वो आगे बढ़ के आना चाहिए और चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से होती है। तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि ये गलत चीज़ है, बट इट इज़ जस्ट दैट कि आप किस में कंफर्टेबल हो, आप किस तरीके के वीडियोस बना सकते हो। तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे और कभी मुझे लगेगा कि हाँ मुझे ज़रूर से बनाना चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में किसी और ब्लॉग में, बाय।